एनी और सलमान मेरा क्या ताल्लुक है यार, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा ना। मैंने यार आप मेरे को मेरी बहनों को लेकर क्या हो गया, बोल ही नहीं सकते वो ऐसा कुछ बोला है ना उन्होंने, अब बोलो ना आप उनको। Everyone, Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो इस वक्त मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मा के घर पे और आज आपने थंबनेल से तो पहचान लिया होगा मैं करने वाली हूँ मेरी लाइफ का फर्स्ट प्रैंक जो कि काशिफ के साथ है। और मैं जो है ना वो क्या करूँगी कि मैं ना बहुत जोर जोर से काशिफ के साथ लड़ने वाली हूँ और इन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं असली में लड़ रही हूँ और लड़ते लड़ते कुछ यू नो कुछ थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा चिल्लम चिल्ली हो। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं अम्मी के घर पर लड़ रही हूँ, मैं पहले ही लड़ चुकी हूँ अम्मी के घर पे बहुत टाइम काशिफ और मेरी हो जाती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम एक्सपोज तो इतना सबको पता चल रहा हो कि लड़ाई है। सो चुपचाप से मैं ना अपना फोन छुपाने वाली हूँ अभी। कुछ इस तरह का मैंने ना यहाँ पर सेटअप देखा है, एक तो ये लोग नाराज ना हो जाएं, घर क्लीन नहीं हुआ हुआ। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये सारा कुछ ऐसा ही अभी पड़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं अभी। कुछ मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर या तो फोन अपना लगा दूँ या इस तरह का कुछ पार्सल वगैरह आए हुए हैं यार, कहाँ पर लगाऊँ मैं अपना फोन कि कुछ ना पता ना चले। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि बिल्कुल अंदाजा ना हो। सो खैर वो जगह तो मैं अभी देख लेती हूँ, यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम लोग। ये मेरे बच्चों ने इनका पूरा कमरा ख़राब करा हुआ है, मैं सोचूँ यहाँ पर ना फूलों में ना ऐसे बैक करके कैमरा रख दूँगी और इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। अभी देख लेते हैं, खैर यहाँ कहीं कैमरा छुपाते हैं और काशिफ और मैं लड़ेंगे और इन लोग को बुला के ना इनका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होगा। फर्स्ट टाइम प्रैंक करने वाली हूँ, प्रैंक तो बहुत सारे हैं जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि यार बस थोड़ा सा उसमें साथ चाहिए होता है, तो वो काशिफ इतने जो है ना वो साथ देते नहीं हैं किसी भी वीडियोज़ में, और अकेले मैं तो करने से रही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, थोड़ी देर में मैं काशिफ को लेकर आऊंगी और आने के बाद जो है ना फिर देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है जी। और यस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, देखते हैं फिर घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। स्पेशली अरसला साहिबा है तो अरसला को ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। अरसला चल झूठ ना लड़ने को ज्यादा प्रेफर करती है, और आवाज तेज हो जाए तो उसको ये होता है कि सब सुन रहे हैं मोहल्ले वाले, ये वो इज्जत विज्जत सोसाइटी में। मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, सो लेट्स सी के क्या होता है। चलो जल्दी से फोन चार्ज पे लगाती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके काशिफ को मैंने ना बुला लिया है। काशिफ आर यू रेडी? सो किस तरह से हम लोग करने वाले हैं हमारी लड़ाई को कैप्चर नहीं, मोबाइल को छुपाना पड़ेगा वरना ये लोग चला के समझ जाएंगी। मैं फ़ोन को ना यहाँ पर पीछे देख रहे हो आप, ये ट्राईपॉड रखा हुआ है इसके अंदर या तो छुपाऊंगी या तो फिर मैं मोबाइल को ना यहाँ पर कॉर्नर पे लगा दूंगी, वो आप बेफिक्र हो जाओ मैं लगा दूंगी, टेंशन नहीं लो, क्या बोलते हो? सही है। और अभी मैंने ना कमरा वमरा ना साफ़ सुथरा इतना करा नहीं है वरना इन लोग को शक हो जाएगा, ठीक है। ये यार मेरा एक पार्सल आया हुआ है, ठीक है जी। सो ये जो है वो इस वजह से यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ मतलब हम लोग देखो मेरी बात सुनो, प्रैंक में ना ये ज़्यादा मैं सामने आ जाती हूँ, प्रैंक में ना ये ज़रूरी है कि हम लोग एक जगह पर हों सारे। अगर इधर लड़ रहे हैं ना तो हम दोनों इधर ही हों, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ यहीं पर ही लड़ेंगे, मतलब फ़ोन को ना मैं यहाँ पर पीछे ना इसके इसको थोड़ा सा और ऊँचा करती हूँ, इसके अंदर छुपा दूँगी तो इतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ वहाँ पे खड़ा भी कर सकती हूँ, या तो फिर मैं ये सोचूँ ट्राईपॉड पे छुपा दूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रिंग लाइट पे फोन छुपा दूँ और ये सामने ना ये रख दूँ, सिर्फ इसके लेंसेज नजर आ रहे होंगे, क्या बोलते हो? ऐसा ही कुछ कर लेती हूँ, ठीक है। अब जल्दी से ना हम लोग थोड़ा बहुत लड़ना शुरू करते हैं, और मुझे तो ना दिल में ऐसे तितलियाँ उड़ रही हैं क्योंकि कभी इस तरीके का हमने किया नहीं है। यकीन करें मेरी एक आदत है, मम्मा के घर पे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, हर चीज़ हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम ऐसा हाइप क्रिएट नहीं करते ना। मैं अपने घर की बातें आकर यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बताती हूँ, चल झूठ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करती हूँ हमेशा से। तो चलो जल्दी से एनी अरसलना को बुला के लाती हूँ। और अभी हम लोग इस वक्त ना बाहर जा रहे हैं, सीवीओ जा रहे हैं, तो यू नो अच्छा हो जाएगा। चलो करते हैं यार, करते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोन छुपाती हूँ और एनी अरसलना को बुलाती हूँ, पहले हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। गाइस मेरी बात सुने, मैं आ गई हूँ, फ़ैन ऑफ कर रही हूँ ताकि आवाज़ आप लोग को क्लियर आ सके, ठीक है। और ना एसी, ना एसी मेरी बात सुने, बल्कि एसी रहने दें, 5 मिनट की तो बात है। सो अभी ये लोग आ रहे हैं, हम लोग ना अभी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग सीवीओ जा रहे हैं तो अभी ये लोग हो रही हैं तैयार, ठीक है। मम्मा गई हैं नीचे, अभी बहुत अच्छा टाइम है ताकि अम्मी को पता ना चले, क्योंकि अम्मी के सामने इस तरह से करेंगे ना बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, है ना। तो चलो जल्दी से हम लोग ना लड़ते हैं, कुत्ते की तरह लड़ना है हमको अच्छे से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है,
हम घर में लड़ते हैं ना, जाहिलों की तरह लड़ना है, ठीक है। और उसके बाद ना बस देर रैंडम लड़ते हैं, रैंडम लड़ते हैं। मैं यहाँ पे सामने ना फोन लगा रही हूँ ट्राईपॉड पे यहाँ पे, और इसको मैं कर दूंगी यहाँ आगे, ठीक है। तो ऐसा होगा कि लेंसेज नजर आएंगे, बाकी कुछ नहीं। अभी हम डेमो भी कर लेते हैं, रुके। सो गाइज, मैंने ना कैमरा ऐसे रख दिया, अब मैं यहाँ पर ना सामने इसको रख रही हूँ, ठीक है, ताकि लेंस नजर आए सिर्फ, ठीक है। लेकिन ऐसे तो फिर हम लोग नजर नहीं आएंगे। बैक कैमरा कर देती हूँ, है ना, बैक कैमरा से सब नजर आएगा। इसको अगर मैं ऐसे रखूंगी तो फिर तो हम ही नजर नहीं आएंगे। दो मिनट। देखो, एक सेकंड रुको ना, स्टार्ट हो गई। गाइज मुझे बताएं, मैं भी डेमो कर रही हूँ, नजर आ रही हूँ, ठीक है। अभी ना मैं बैग अपना यहाँ पे जाते जाते समझो हमारी लड़ाई हो गई वाला प्रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से हम नजर आ रहे हैं यहाँ, सेटिंग पूरी हमने सामने सारा कुछ सही से कर दिया है, क्लीन व्लीन कर दिया है। अब हम लोग लड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे आप देखो पीछे से मैं सही नजर आ रही हूँ, यहाँ लड़ेंगे। देखो जल्दी, मेरा दिल ऐसा बंद हो रहा है ना, अजीब सा कुछ हो रहा है, मजा आने वाले, चिल्लम चिल्ली बोलो। सही आ रही हूँ, वहां से कुछ कपड़े वपड़े आ रहे हैं, इधर कर दो। हाँ देखो, अब ठीक आ रहा है, बेहतर है। बस इधर ही लड़ेंगे, ऑन हो चुकी है वो, मैं एडिट कर दूंगी, ठीक है। तो हम क्या करें, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब अभी हम जा रहे थे ना। आ जाओ यार, तैयार हो, कब से तैयार ही नहीं हुए ये लोग। यार तुम्हारा बस है ना, तुम हमेशा ऐसे करती हो यार। ये लोग करते हैं ना, ये लोग करते हैं, मैं थोड़ी करती हूँ, इन लोगों ने करा है ना, मुझे क्या हुआ है यार। भाई रुज, तुम मेरे वजह से दिमाग खराब कर रही हो यार। ये लोग करती हैं लेट यार। आ जाओ यार, एनी यार, सलना यार, मेरी इतनी लड़ाई हो रही है काशिप से, जब देखो यार ये लोग ऐसे ही करती हैं। तुम्हारा मसला ही खराब है रुज, सब तुम्हारा मसला है। क्या मतलब है मेरा मसला है, मैं तो टाइम से तैयार होती हूँ हमेशा, सब लोग सबको पता है, सब लोग यही देर से लगाती है, सब लोग देखते है ना हर चीज, सबको अंदाजा है। लेकिन गलत है यार ये। क्या गलत है मेरी क्या गलती है, मुझसे क्यों बोल रहे हो आप। हम तो तैयार बैठे हैं यहाँ पे, कब से तैयार बैठे हैं। तो मेरी क्या गलती है, मैं तो खुद तैयार बैठी हुई हूँ कब से। भाई तुम देख लो यार, आइंदा के बाद मुझे मत बोल रहा तुम, आइंदा क्या, चलो इधर चलो उधर चलो। नहीं बोल रही मैं, नहीं बोल रही आइंदा। मुझे तो हंसी आ रही है, हंसी तो मैंने क्या कर दिया यार, आप मुझसे क्यों बोल रहे हो। बुलाओ, फोन करो या फोन करो मैं उनको। आप उनको बोल दो ना, फोन की आवाज है नहीं यार। सलना आ जाओ यार, इतनी देर लगा देते हो हमेशा, देख रहे हो आप। मैं क्या बोलूं भाई, तुम्हारा दिमाग ही खराब है, जहाँ जाओगे साथ जाना, जहाँ जाओगे तो मैं क्या करूं, साथ जाना है यार, तो वो आई नहीं है ना, तो मैंने बोला साथ ले लेंगे, ये लोग हमेशा से इतनी देर लगाती हैं, पता नहीं है कहाँ, आई नहीं है सलना। नहीं होंगी यार वो लोग, होंगी ना, हर बंदे का अपना काम होता है। यार कब से देखो, तुम लोगों की वजह से काशिप मुझसे लड़ रहे हैं यार, अब मेरी क्या गलती है यार काशिप। सब तुम्हारे से हो रही है। क्या मैं इन लोगों को बताऊं, अभी मैं इन लोगों को बताऊं कि आप मुझसे लड़ रहे हो, मैं बताऊं अभी इनको, बता दो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इनको बताती हूं, आप रुक जाओ। एनी यार सलना, तुम हमेशा यही करती हो यार, अभी आ जाएंगी ना तो आप उनके मुंह पर, उनके सामने बोल, मैं उनके मुंह पे क्यों बोलूंगा। एनी यार सलना, मेरा क्या ताल्लुक है यार, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा ना, मैंने देर करी है यार, वो लोग हमेशा देर करती है। सब कुछ तुमने किया और जानबूझ, मैंने नहीं किया यार, मुझे नहीं पता, जाना होता ऑफिस 8 बजे, मुझे निकलना होता है घर से, मैंने मुझे नहीं पता ना, मैंने उनको कब, क्या हो गया, हल्के बात किया करो। क्या मतलब है हल्के बात, आप बोलो ना, आप इनके सामने, मैं क्यों बोलूं, तुम्हें पता होना चाहिए ना यार। क्या मतलब है, क्या पता होना चाहिए यार, मैंने क्या कर दिया, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया यार, आप उन लोग से मुझे बोल रहे हो यार, क्या जहालत है, क्या हो गया, आप मुझे क्यों कह रहे हो यार। एक सेकंड काशिप भाई, क्या हुआ, क्या हो गया यार, तुम लोग इतना देर लगाते हो तैयार होने में, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, तो मुझे कह रहे हैं कि इतना देर लगाती हैं। अरे चलो चलो चलो, सुबह जाना है ऑफिस, तो नहीं जाओ यार आप मेरे को, मेरी बहनों को लेकर, क्या हो गया, बोल ही नहीं सकते वो, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, अब बोलो ना आप उनको, खुद ही बोल रही है सारी बातें, खुद ही दबा से मेरा इन्होंने दिमाग खराब करके रखती है, चिल्लाती है यार इतना, हमेशा आप ऐसे ही करते हो, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, ये तुमने अपनी घड़ी यहाँ पर क्यों रखी है, क्यों। अरे ये क्या घटिया बना यार, मैं वैसे शर्म आनी चाहिए।
सो रही हूँ अम्मी को मैं अल्लाह अल्लाह अबे यार काशी यार मुझे आप पे शक था कि ये हंस जाएंगे यार, मेरा पहला प्रैंक ही खराब करवा दिया आपने। मुझे सिर्फ मुझे आपकी फिक्र थी कि आप हंस जाओगे, आपसे कंट्रोल नहीं हुआ ना। अब हम अभी तो हमें मारना पीटना करना था। अबे भाई आजा मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे यार, क्या हो गया? कौन है? चिल्ला रही हो तुम? अम्मी सो रही है यार। अबे यार मजाक करी थी और लो मेरी ऐसी वो हो गई है हालत काशिव। हाँ मेरी ऐसी हालत हो गई है काशी, इधर आओ। तुमसे तुम हंस रहे थे ना बार बार, तुम्हें हंसी आ रही थी ना, इधर आओ, तुम पूरा प्रैंक खराब। चलो गाइस हम लोग चलते हैं बाहर। ये था हमारा फर्स्ट एवर प्रैंक जो कि ना बड़ी मुश्किल से हुआ है, और अल्लाह माफ करे तुम लोग। अल्लाह माफ ही करे, बहुत लड़ी हूँ यार, बहुत बहुत ज्यादा आवाज सुनो तो। अरसल ना वैसे तुम लोग वाकई में इतना बहुत देर नहीं लगाते हो तैयार होने में यार। काशिफ ने मेरा सारा पूरा प्रैंक खराब कर दिया। काशिफ आपने तुमने मेरा पूरा प्रैंक खराब कर दिया यार। अबे यार काशी यार, शिट यार भाई, प्रैंक जो है ना वो हमारा बढ़ गया। और मुझे अच्छी तरीके से पता था कि काशिफ ना, पता है मैंने जब भी प्रैंक करने की, ओहो लाइट ही बंद कर दी है काशिफ ने। चलो मैं बाहर चल के बात करती हूँ। जब भी मैंने प्रैंक करने की, यार लाइट तो खोल दो यार, क्या है यार काशी यार, जब भी मैंने प्रैंक करने की कोशिश करी है ना, मेरा प्रैंक कभी कामयाब हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं सकता जब तक काशिफ, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, काशिफ नहीं साथ देते यार। गाइस चलो अभी अपन चलते हैं, चल के जो है ना वो यार शिट यार। सो भाई हम लोग जो है ना वो इस वक्त आ गए हैं चाय पीने के लिए कैफे प्याला, और मेरा प्रैंक इतना खराब हुआ है ना, इतना मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। मेरा प्रैंक पॉसिबल हो भी नहीं सकता। खैर मैं थोड़ी देर में आप लोग से बात करती हूँ। वेट इसी दिन ना प्लान करा जाएगा, ठीक है? और प्रॉपर तरीके से ना, ऐसा जो है ना वो यू नो प्रैंक हो जो कि काशिफ को प्रैक्टिस कराई जाए या फिर कुछ इस तरह का हो। अभी वाला प्रैंक हमारा यार फेल हो गया, मुझे इतना बुरा लग रहा है। खैर छोड़ो, दफ़ा करो। अब बार बार प्रैंक 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 करूँगी ना, इन लोग के दिमाग में आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से प्रैंक करूँगी तो फिर इनको फील नहीं होगा। अभी चलो जल्दी से चलते हैं और चल के चाय वाय पीते हैं सामने सीढ़ियों पे, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। लेकिन मज़ा आया, तफरी होगी, मैं तो ऐसी हाँ काँप गई। ये लोग कह रही हैं तुम क्या पागल वागल हो। चाय पीने आई थी लेकिन यहाँ पर यार बिल्कुल टोटल ना रश हुआ है आदमियों का, तो उस वजह से हम जा रहे हैं कहीं और। गंदा लग रहा है यार यहाँ पे आके। नेक्स्ट ओके जी, सो हम लोग भाई घर पर वापस आ गए हैं। पहली बार मैंने कोई प्रैंक बनाने की, कोई प्रैंक करने की कोशिश की। बहुत ही जबरदस्त 4-5 प्रैंक्स मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो चीज करूं जो ऑलरेडी आप लोग देखते हो, जो लोग करते हैं, जो लोग यू नो कर चुके हैं। कुछ नया लाने की कोशिश करना चाहती हूं, तो उसमें साथ देने का मसला है यार। काशिफ आपको ने देखा ना, उनको हंसी आ गई, मुझे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि आपको पता है मैं हुई ऐसी, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूं, मुझसे बिल्कुल भी इस तरह वाली एक्टिंग नहीं होती। मेरी बहन अरसल्ला ने कह दिया बेटा तुम मेरी फील्ड में नहीं आ सकती, तुम जो है ना ओवर एक्टर के ठप्पा लगाओगी, और आप लोग तो जानते हो मैं हुई ओवर एक्टर। पर हाल जो भी है, हमने कोशिश की, इंशाल्लाह मैं दोबारा से ट्राई करूंगी। अब यार स्क्रिप्टेड वाला है ना, मैं सबको बता दूं कि यू नो ऐसा ऐसा करना है, फैमिली वाला जो स्क्रिप्टेड सब लोग कर रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा प्रैंक्स वगैरह, वो वाला सीन जो है ना मुझे ऐसा होता है कि यार फिर उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन देखेंगे चलो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन बस मैं चाहती कुछ न्यू हो जो थोड़ा हटके हो, तो वो बड़ा मुश्किल है यार, इट्स वेरी टफ। प्रैंक श्रैंक मैंने सच्ची देख लिया। आई होप कि मेरे बस की बात हो, कुछ करेंगे इंशाल्लाह। चलो आई होप आपको यू नो अच्छा लगा हो। अच्छा आप लोग ना मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि अगर आपके पास कोई आइडियाज है ना कि ऐसा प्रैंक कर सकते हैं, ऐसा प्रैंक कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, रखिएगा अपना बहुत ख्याल। आ गए हम लोग वापस, एंड दैट्स इट। अभी चेंज वेंज करेंगे, काम शाम करेंगे, एडिट करेंगे, और कल आप लोगों को ताकि व्लॉग मिल जाए। अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।